शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से इतना तीखा खाओगी तो दर्द तो होगा ही ना। और श्रद्धा, तुमने इसे अपने सर पे चढ़ाया हुआ है, लेकिन तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहे जितना कर लो इसके लिए, इसे किसी की कोई परवाह नहीं, ना खुद की ना तुम्हारी। कितना डांटेंगे आप लोग हमें, हो गई ना गलती। अब ऐसी हालत में चटपटा खाने का मन करता है, तो हमने मंगवा लिया। हमें क्या पता था कि इतना दर्द हो जाएगा। हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया। हाँ बस, अपनी गलती छुपाने के लिए रोने धोने का नाटक करो तुम। और मम्मी, आपको भी इसके रोज रोज के तमाशों को झेलने की आदत हो गई है ना। चलिए भाभी, ना तो रोज का तमाशा है। चल, हम उनके लिए काढ़ा बनाते हैं, उन्हें बेहतर लगेगा। रुकिए वरुण जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बस श्रद्धा, अब तुम मत शुरू हो जाना, बहुत झेल चुका हूं मैं कीर्ति को अब। वरुण जी, कीर्ति के साथ तो मैं हूं ही, पर इस वक्त उसे आपके साथ की जरूरत है, अपने साथी की जरूरत है। इतना कुछ हो जाने के बाद भाई कैसे साथ दे सकता उसका? तो क्या इन दोनों के झगड़े की सजा उस आने वाले बच्चे को मिले? श्रद्धा, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। सिर्फ पैसे की जिम्मेदारी पूरी करना जिम्मेदारी नहीं होती है वरुण जी, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कीर्ति को इस वक्त आपके साथ की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। और वरुण जी, अब मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे या नहीं, क्योंकि अब मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। भाई, मैं तेरे साथ हूं, पर श्रद्धा गलत नहीं कह रही है। ये फैसला तुझे करना है, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए। साथ तो मैं हूं, पर इस वक्त उसे आपके साथ की जरूरत है, अपने साथी की जरूरत है। मुझे नहीं पता यार कि मुझे क्या करना चाहिए। सब यहाँ है, फिर भी बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मैं अभी आ रहा हूं अपनी तेरे पास। अपस वरुण जी, मेरी बात को समझे, अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें, उसे दोबारा से जोड़ने की कोशिश करें। श्रद्धा, अरे आप चेंज करके आप भी गए? हाँ, जैसे तुम बाकी सबको समझाती हो ना, वैसे थोड़ा अपनी बहन को भी समझा लो, ताकि वो तमाशा कम किया करे। अभय, अच्छा पापा नहीं कहता तुम्हारी प्यारी बहन के बारे में कुछ भी। आज ना वैसे भी बहुत अच्छे मूड में हूँ। याद है ना आज क्या है? हाँ हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं, आज आपकी पहली सैलरी जो आने वाली है, वो भी बोनस और ओवर टाइम के साथ। बधाई हो। हाँ, वो पर दफ्तर से मैंने एडवांस ले लिया था ना,
रुपए से गुस्से में बह गए, पर आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे अब मैं भी आपको यही बात समझाने, आज मैं मैडम आपकी कोई विशेष टिप्पणी नहीं सुनने वाला। आज देखो शाम को मैं करता क्या हूँ, तुमने जल्दी से मुझे नीचे मिलो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। अरे अभय टैक्सी क्यों, हम बाइक से भी तो जा सकते हैं ना। अरे यार आज थोड़ा इज्जतदार तरीके से निकलेंगे। अभय इस घर में आपकी वैसे बहुत इज्जत है, हम बाइक से ही जाएंगे। हाँ पर बाइक पे अच्छे से बात कहाँ हो पाती है, अब मैं रोड पे ध्यान दूं या तुम्हें देख के बात करूं? बस अभय बहुत बातें कर ली आपने, पहले हम चेक लेंगे, उसके बाद जो आपके मन की आइसक्रीम है वो सारी आइसक्रीम खा लेंगे, ठीक है? नहीं श्वेता, आज आइसक्रीम से तो काम नहीं चलेगा। दीदी आपकी वाली कुल्फी दे दो। अब नहीं भैया, आज मन नहीं है, कभी नहीं सोचा था कि इतनी कड़की आ जाएगी माँ की वजह से, कि कुल्फी खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। कौन करता है ऐसे, हमारा सारा का सारा जेब खर्चा बंद कर दिया। भैया तो केसर कुल्फी स्टिक देना। ये आवाज तो सोनिया। आरती ये ले, तेरी फेवरेट कुल्फी। अरे बोलो ना, अब बोल क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मैं अभी से प्यार करती हूं। आरती मैं जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ये सब मैंने अभय के प्यार में अंधे होके किया है। पर उससे पहले तो हम दोनों बहने जैसे रहते थे ना, तो क्या अब तू मुझे माफ भी नहीं करेगी? कभी भी नहीं, और तुम ये कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें माफ करूंगी। हटो अब। आरती घर से पैसे मिलने बंद हो गए, इसीलिए शायद आज तेरे पास कुल्फी खाने के भी पैसे नहीं थे। इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रही हो? आरती मैं तेरा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी बहन की मदद कर रही थी। झूठ बोलने से ना बात नहीं आओगी तुम, मेरा और मेरे परिवार के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हो, समझ में नहीं आता तुम्हें? आज के बाद ना अपनी शक्ल दिखाना मत मुझे, जाओ यहाँ से अब। हाँ बस निकल ही रही थी मैं। अरे आरती बेटा तू तो जानती है कि तुम्हारी श्रद्धा भाभी पूरे घर को संभालती हैं, हाँ ऊपर भी और नीचे भी। तो बेटा तुम ना थोड़ा घर जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ की भी उम्र हो रही है ना, तो घर आके थोड़ा काम संभाल लेना। हाँ जल्दी आ जाना बेटा, ठीक है। तनुजा जब वो रेडियो वाले ने ऋतु के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा था तब आप ही वही थी ना? हाँ हाँ भाभी बिल्कुल। तो उन्होंने आपका ताने मारने का हुनर नहीं देखा? अरे भाभी अगर आप होती ना वहाँ तो ये नौकरी ना आपको बस मिलनी थी, क्योंकि आप ताने आप भी काफी अच्छा मार लेती हैं। वैसे फिलहाल हम ऋतु को ही सुने तो बेहतर होगा। भाभी घर पे तो इंसान चबड़ चबड़ कर लेता है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने सांस तो फूल ही जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऋतु जी वेलकम टू 107.9 रेडियो FM। आप इस काम के लिए मान गए और मुझे पूरे यकीन है कि आपका शो बहुत धमाकेदार होने वाला है। बेवजह घबरा रही है, आप बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, और घबराने की कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो हेडफोन है ना, इसे आप पहनिए। पहले पहने
Yes. अब जब मैं आपको इशारा करूं ऐसे करके तो आप ये वाला बटन दबाएंगी, इसे ऊपर उठाइएगा, और आपको अगर गाना लगाना है तो फिर ये जो कंसोल है ना इसमें ये वाला बटन दबाकर उसको ट्विस्ट करिएगा और सॉन्ग सिलेक्शन यहां से होगा। देखिए घबराने की कोई बात ही नहीं है, आप बहुत अच्छा करने वाली हैं। काम करते हैं, 5 मिनट में शुरू करते हैं। करेक्ट? नहीं 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 नहीं, देखिए हमसे नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, ये सब कुछ ना भूल जाइए। मैं हूं ना, सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, मैं यहां बैठता हूं, मैं आपके साथ हूं, और जरा सोचिए कि मैं आपसे मिलने आपके घर आया और आपके घर में या आपके पड़ोस में कोई किस्सा हुआ है जो आप एज ऋतु त्रिपाठी उतावली हो रही हैं मुझे सुनाने के लिए। करेक्ट? चलिए सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। हेडफोन पहनिए, हेडफोन। देखिए हर घर में हर वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई कहानी और किस्से होते ही रहते, तो ऐसे ही किस्से और कहानियां आप सुनिए 107.9 रेडियो एफएम पर हमारे साथ। तो चलिए आप सुन रहे हैं हमारे साथ चटपटी सी अजीबो गरीब आज ऋतु को। वाह, ये तो सब कुछ एक ही सांस में बोल गई और कितना अच्छा बोली। हाँ। देखिए हमने हमेशा एक कहावत सुनी है कि भैंस के आगे बेन बचाना। अजी आपने तो ना सिर्फ सुनी है, हमने तो देखी भी है। सालों से ना सांस को ना सपेरा ही कहा जाता है, क्योंकि सांस को लगता है कि उसके घर में जो बहू आ रही है वो बहू नहीं नागिन है जो उसे टस लेगी। तो हमारी सास, हमारा मतलब है कि सपेरा क्या करेगा, अपनी बीन के साथ तैयार रहता है अपनी बहू को काबू में करने के लिए। लेकिन 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 अगर सोचिए सामने नागिन नहीं भैंस खड़ी हो तो लेकिन सपेरे का क्या है, उसे तो उसे काबू में करना है, तो वो तो अपनी बीन बजाते रहता है, बजाते रहता है, बजाते रहता है, लेकिन ये भूल जाता है सामने नागिन नहीं भैंस खड़ी है जो आपकी बीन पर नजर भी नहीं नाचेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंग मारेगी। अरे भाभी बंद काहे कर दी, कितना अच्छा किस्सा ऋतु सुना रही थी, हमें तो बहुत ही मजा आया। तो इसी तरह कोई सास या बहू अपना ताना, हमारा मतलब है कि अपना किस्सा हमें बताना चाहते हैं, हमसे बांटना चाहते हैं, तो देर के बुआ जी की आवाज है, अरे मजे आ रहे हैं ना इन्हें, हम बताते हैं इन्हें। फोन उठाइए, फोन कीजिए हमें, सास बहू का ताना बाना शो पर अपने किस्से बांटिए। तो चलिए बहन जी हमें जरा चटपटा सा अजीबोगरीब किस्सा अपना सुनाइए। पहले तो हम आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेके आज हमने अपना नाम तानेश्वरी रख लिया है। रितु जी ऐसे हमारी सास इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी हमारी बुआ सास है। एक नंबर की कंजूस, काम चोर, दिन भर बैठ के ठूसती रहती है, मतलब खाती रहती है, और तो और हमारे घर में ना डेरा जमा कर बैठ गई है, और रिश्तों में आग लगा कर ही उनका मनोरंजन होता है। अब आप ही बताइए रितु जी कि ये लड़की क्या करे और उस औरत को इस घर से कैसे निकाले, उसे छुटकारा कैसे पाए। आप तानेश्वरी जी अगर आपके नाम में ही ताने हैं तो आपको हमारी क्या जरूरत है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला गाना सास बहू का ताना बाना में सुनते हैं आरजे ऋतु के साथ। बड़ी आई थी हमारा मजाक बनाने, कैसे उनकी आवाज ही बंद हो गई। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, व्हाट एन इंप्रेसिव। शुक्रिया, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि आप नए हो। शाद, आज किसी बड़ी जगह खाना खाने चलेंगे, क्या हुआ? अबे पहले बैंक जाके चेक डिपॉजिट कर देते फिर कीर्ति से मिलते हुए चले। अरे यार पहले थोड़ी खुशी मना ले, उसके बाद जिम्मेदार बीवी की तरह बैंक में चेक डिपॉजिट कर देना और जिम्मेदार बहन की तरह कीर्ति से भी मिल लेना, ठीक है? हम ना अपनी वो फेवरेट वाली चाट जरूर खाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, पहले अब चले क्या?
चाट का नाम सुनते ना मुझे बहुत भूख लगी। उसके बाद तुम ये बैंक का काम कर लेना और मैं अपना काम कर लूंगा। अभी तो आपने कहा कि पहले बैंक जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ ना, पहले तुम घर जाओगी, उसके बाद बाकी सब काम। चलो अब। अबे आ गए आप। ये देखिए, इसे अभी इधर रख। ये देखिए, मैंने सब कुछ सोच के रखा है। कितने पैसे हम फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे, कितने पैसे हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, और कितने पैसे में हम घर का खर्चा चलाएंगे। शदाब, मैं अभी ये सब नहीं कर रहा। भाई साहब आ जाइए, देखो मैं हमारे घर के लिए नया टीवी लेकर आया हूँ। मार्केट में अभी नया आया है। हाय, रख दीजिए, वहां रख दीजिए आराम से। अबे इतने तोहफे, ये टीवी, इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास तो एक अच्छा टीवी है। अरे श्रद्धा, वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, जरूरी होता है। इसकी तो पिक्चर भी बहुत अच्छी है। पर मैं सोच रहा हूँ कि टीवी नया आ गया तो सोफे भी नए बनवा लेते हैं। क्या है ना, टीवी इतना अच्छा होगा तो सोफे भी अच्छे दिखने चाहिए ना। पर अबे, अरे नए सोफे, सच? पिताजी, कहीं सपने में लॉटरी तो नहीं देख ली आपने? अरे ऋतु, मेहनत की कमाई है, पहली तनख्वाह की खुशी आप नहीं समझेंगी। हाँ वैसे भाभी, आप भूल गए तो आपको याद दिला देते कि अब हम भी काम काज वाले लोग हो गए। रेडियो पे शो आता है हमारा। हाँ। आने दीजिए, हमारी पहली तनख्वाह दिखाते कि पहली तनख्वाह की खुशी क्या होती है। हाँ बुआ जी, उन्हें खुद पे ही खर्चना सारे पैसे। तुम्हारी वजह से अब हम नैना भाभी के सामने सर ऊंची करके चलेंगे। लाखों में जो कमाता है हमारा बेटा, नजर ना लगे। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए आपके लिए सिल्क की साड़ी। ये तो बहुत ही सुंदर है बेटा। और बुआ जी आप? आपके काम के पहले दिन की खुशी में। बहुत सुंदर है। मम्मी, और ये पापा के लिए। अरे तुम्हारे पापा को तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ओ अभय, इधर आएंगे, मुझे आपसे 2 मिनट कुछ जरूरी बात करनी है। ये देखिए, अरे बहुत सुंदर है ऋतु। कीर्ति, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन केस से तो मुझे माफ कर पाओ। आपने हमें बहुत तकलीफ दी है वरुण जी। कीर्ति, तुम ना बेकारी परेशान हो रही। मेहर और अवनी के बीच में कभी भी कुछ नहीं था। और अब? और अब भी नहीं, और ना ही कभी होगा। आप हमारे लिए सोने के कंगन लेकर आए, पर सोने के कंगन ना पुराने जमाने जैसे, अभी तो डायमंड का फैशन है। कीर्ति, हमारा बच्चा आने वाला है, अभी हमें अपने खर्चों पे ध्यान देना चाहिए। तुम कभी तो समझा करो। रहने दीजिए, मनाने में भी कंजूसी। मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ। अबे हमारा टीवी बहुत अच्छे से चल रहा है, अभी नए टीवी की क्या जरूरत है? कछुए की तरह चलता है हमारा पुराना टीवी। ये नया टीवी ना दौड़ेगा।
और नए जमाने का स्मार्ट टीवी है। अच्छा, और फिर ये जो नए सोफे लेने की बात कर रहे हैं आप, हमारा सोफा कितनी मजबूत लकड़ी का है, अभी भी 5 साल और चल सकता है। 5 साल में ना सरकार भी बदल जाती है, हम सोफे नहीं बदल सकते क्या? आप बैठिए। श्रद्धा ये देखिए, अभी कितनी सारी जरूरत है जिसे हमें पूरी करनी है, कितने कर्ज हैं इन्हें भी चुकाना है। अरे बंद करो सिर, ये सब कुछ भी देख लेंगे, और ये सब सोचने के लिए तुम हो ना। मैं आज में जीता हूँ, पर अब तो मैं कमाने भी लगा हूँ, इसलिए मुझे खर्चा करना है। मैं शुरू से ऐसा ही तो था। पर अब है पर कुछ नहीं, देखो सारे कितने खुश हैं, मैं कितना खुश हूँ, तुम क्यों मूड खराब कर रही हो? अब है मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन आप ये सोचिए ना कि घर की जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। कीर्ति माँ बनने वाली है, भगवान ना करे अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो हमें ही उनकी मदद करनी होगी ना। वरुण जी को देखिए, वो अकेले इतनी मेहनत करते हैं, अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। अभय आपको भी तो उन्हीं की तरह सोचना चाहिए ना, जैसे वरुण जी सोचते हैं। बस मैं भाई नहीं हूं, तो मेरी तुलना उससे करना भी मत। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस नौकरी पे ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा तो भी मुझे बता दो। तुम नहीं अभय, ऐसा नहीं। कैसा है फिर, कभी मेरी कोई बात मानती हो तुम? अरे सुबह मैंने बोला टैक्सी से चलते हैं, उसके लिए भी मना कर दिया तुमने। उसके बाद मैंने बोला कहीं अच्छी जगह जाके खाना खा लेते हैं, उसके लिए भी इनकार। अब मैं घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ सामान लेकर आया हूँ, तो भी मुझे ही बातें सुना रही हो। ठीक है यार, रख लो फेंक दो उसके सब कुछ। नहीं अभय, अभय मेरी बात सुनिए। आरती, क्या तरीका है ये अपनी भाभी से बात करने का? हाँ, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? क्योंकि अगर मैंने ऐसे बात की तो मैं तो बिल्कुल बदतमीज हो जाऊंगी ना। और भाभी वो चाहे जो कुछ करे वो सब सही है, पर आपके सारे पैसों पे भी तो अकेले इन्हीं को हक जमाना है ना। मेरी कमाई है ना, मैं अपनी बीवी पे खर्चूंगा, मेरी मर्जी है। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।